गॉस एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर चुंबकत्व की इकाई का नाम रखा गया था। गॉस इकाई द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है। यद्यपि गॉस एक गणितज्ञ थे, लेकिन उन्होंने विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में काफी कार्य किया था। गॉस इकाई में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक तिहाई गॉस होता है, जबकि किसी न्यूट्रॉन तारे की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र अरबों गॉस होता है। गॉस का जन्म 30 अप्रैल 1777 को जर्मनी में हुआ था। वह एक गरीब मालिक के बेटे थे। शुरू से ही वह बहुत प्रतिभाशाली थे, इसलिए ड्यूक फ्रंदीत ने उनकी शिक्षा का सारा खर्च उठाया। उन्हें बचपन से ही संख्याओं में विशेष रुचि थी। जब वह विद्यार्थी ही थे तब उन्होंने ज्यामितीय में बहुत बड़ा आविष्कार किया। उन्होंने एक फूटे और पराकार की सहायता से 17 भुजाओं वाला बहुज खोजा। यहाँ तक कि यूनान के महान गणितज्ञ भी इस कार्य को नहीं कर पाए थे। यह पहली बार था जब इस असंभव कार्य को किसी ने संभव कर दिया था। अपने जीवन काल में गॉस एक प्रसिद्ध ज्योतिष वैज्ञानिक भी बने। उन्होंने इलियोट्रिप नामक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन की सहायता से सूरज के प्रकाश को लंबी दूरियों तक परावर्तित किया जा सकता है। उन्होंने प्रकाश की सीधी परावर्तित किरणों को धरती की आकृति मापने के लिए भी प्रयोग किया। उन्होंने पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति पता लगाने का प्रयास भी किया था। चुंबकीय प्रभावों के लिए उन्हें एक इकाई की आवश्यकता थी। उस इकाई पर उन्होंने सन 1832 में काम किया था और इस इकाई का नाम उन्होंने के पे रखा था। चूंकि उनका जन्म जर्मनी के ब्रुंसविक नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए वहीं पर 17 कोने वाले तारे पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रतिमा बनाई गई। सन 1855 में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें और आपको हर अपडेट मिलता रहे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।